प्राइमर और मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्वालिटी का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जिनके लार्ज पोर्स हैं या ओपन पोर्स ज्यादा हैं वो ऐसे प्राइमर अप्लाई करेंगे तो उनके जो पोर्स हैं स्पेशलिटीज हैं मुहैया पे वो फिल हो जाते हैं, पोर्स बिल्कुल अच्छे से यू नो क्लोज हो जाते हैं। बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम, सो आप एवरीडे मेकअप लुक कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी फाउंडेशन सजेस्ट नहीं करूंगी, आप अप्लाई करो बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम। ये आपको डिजायर कवरेज भी देती है और आपके फेस को मॉइस्चराइज भी रखती है। सो यहाँ मेरे पास है स्टे क्वालिटी की बीबी क्रीम और स्टे क्वालिटी की सीसी क्रीम। स्टे क्वालिटी की बीबी क्रीम में भी आपको तीन शेड्स मिल जाएंगे, मीडियम, फेयर और डार्क स्किन टोन के लिए। सीसी क्रीम में भी आपको तीन शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। अगेन ये बीबी क्रीम काफी अफोर्डेबल है, लाइक 250 रुपीज की है, बट फ्लैट 30% ऑफ पे आपको इजिली मिल जाएंगे, यू नो 150 के आस पास समथिंग ऐसी कुछ। सो मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये स्टे क्वालिटी की सीसी क्रीम, ये काफी इजिली ब्लेंड हो जाती है। तो आपको सीसी क्रीम को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, या फिर अगर आप बीबी क्रीम भी यूज कर रहे हो तो सेम इसी प्रोसेस में आपको अप्लाई करना है और आपको अपने नेक को भी कवर करना है। सेट करना होता है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टे क्वालिटी का कॉम्पैक्ट इन दी शेड आइवरी बेंड यू वरी वन। काफी सारे शेड्स में आता है और इसे आप यूज कर सकते हो ब्रश की हेल्प से भी, कुछ इस तरीके के फ्लफी ब्रश की हेल्प से भी, या फिर आप इस तरीके की स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, लाइक अप्लाई कर सकते हो। सो आपको हमेशा कॉम्पैक्ट डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना चाहिए, उससे आपने जो भी बेस लगाया होगा वो लॉक हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ड्रैग करोगे तो मे बी आपका जो फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम है वो नीचे की तरफ आए। सो सबसे पहले मेक श्योर कि आपको लॉक करना है। ये कॉम्पैक्ट लिटिल बिट पाउडरी है जिससे ये काफी अच्छे से यू नो आपके फेस पे अप्लाई होता है। सो मैं अपने पूरे फेस को इसी तरीके से सेट करूंगी और ये आपको कवरेज भी देता है। सब देख
बेसिक लाइनर ही ड्रॉ कर रही हूँ इस लुक के साथ। मैं यूज कर रही हूँ ब्लू कलर क्योंकि ये न्यूड पिंकी न्यूड कलर के साथ ये ब्लू लाइनर बहुत ही अच्छा लगेगा, और उसके लिए मैं स्टे करके का ब्लू लाइनर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, और मैं यूज कर रही हूँ स्टे करके के लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड कलर गोल्स 5। ये ब्यूटीफुल ब्राइट फूशिया पिंक कलर है विद ब्लू अंडरटोन। ये बहुत ही प्यारा लगेगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे, बट आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हो। अगर आपको एवरीडे पे न्यूड लगाना है तो आप न्यूड भी लगा सकते हो। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक लगानी नहीं आती है सो आप यूज कर सकते हो नॉर्मल बुलेट फॉर्म की लिपस्टिक जो कि काफी इजी होती है लगाने के लिए। बट मैंने यू नो हाउ टू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक मैंने उसके ऊपर फुल वीडियो बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये लिक्विड लिपस्टिक्स काफी इजी है, इनका जो एप्लीकेटर है वो काफी अच्छा है लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हो आपका सिर्फ अपने लिप्स के कॉर्नर से स्टार्ट करना है और सिंपली ये फिल हो जाती है, और इस तरीके से एक्स बनाना है, उसके जो नॉर्मल शेप है आपकी उस शेप में आपको फिल करना है।